सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। सो गाइस, कल मैं काफी अच्छा एक व्लॉग शूट करने वाला था आप सभी लोगों के लिए, बट मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया। कल मैं सुबह अपना लैपटॉप यूज कर रहा था एंड अचानक से मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या हो गया, मेरी जितनी भी फाइल्स, जितना भी डेटा था, सब कुछ करप्ट हो गया। एंड जितनी भी फाइल्स थी उन सबके पीछे एक एक्सटेंशन लग गया .pcqq। एंड जब ये हुआ तब मैंने सोचा कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो सोचा रिस्टार्ट करके देख लेता हूँ मेरा लैपटॉप। एंड तभी मैंने रिस्टार्ट भी किया, दो तीन बार रिस्टार्ट किया, शट डाउन किया, एंड थोड़ी देर मैंने उसको बंद रखा एंड देन ओपन किया, फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा था। सो मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये एक रैंसम वेयर अटैक है। तो कल ये चीज़ हुई मेरे साथ। सो बेसिकली मैं आप सभी लोगों को पहले बताना चाहूंगा कि रैंसम वेयर अटैक होता क्या है। सो पहले गूगल को पूछते हैं कि क्या होता है। रैंसम वेयर अटैक इन्वॉल्व्स मेलवेयर दैट इनक्रिप्ट फाइल ऑन अ डिवाइस और नेटवर्क दैट रिजल्ट्स इन सिस्टम बिकमिंग इनऑपरेबल। क्रिमिनल्स बिहाइंड दिस टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स टिपिकली डिमांड अ रैंसम इन एक्सचेंज ऑफ द रिलीज ऑफ डेटा। तो सिस्टम में जितना भी डेटा है, जितनी भी फाइल्स है, वो सब इनक्रिप्ट हो जाती है, सब कुछ लॉक हो जाता है। इसके पीछे क्रिमिनल्स होते हैं जो वायरसेस बनाते हैं ये इस टाइप का, और जिसने अटैक किया है उसके बदले वो हमसे एक रैंसम मांगते हैं, एक अमाउंट मांगते हैं कि इतना अमाउंट दीजिए एंड आपको सॉफ्टवेयर या कुछ देंगे जिससे आप लोग अपनी सारी फाइल्स डिक्रिप्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोग उनको रैंसम देने के बाद भी हमारे पास ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो हमें हमारा जो डेटा है वो डिक्रिप्ट करने के लिए हेल्प करेंगे या डिक्रिप्ट करके देंगे। लैपटॉप पर भी आप देख सकते हो मेरे जितनी भी फाइल्स हैं उन सबके पीछे एक्सटेंशन लग चुका है फिर .pcqq। हर फाइल में, वीडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, सब फाइल्स में लग चुका है। एंड एक फाइल में आपको दिखाना चाहूंगा, readme.txt, उसके अंदर लिखा हुआ है अटेंशन एंड सब डिटेल आप लोग देख सकते हो कि एक अमाउंट वो लोग मांग रहे हैं रैंसम, जिससे जिसको देने के बाद वो वापस करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। सो इससे यही पता लग रहा है कि मुझे जो मेरा लैपटॉप है वो पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा एंड फाइल्स डिक्रिप्ट तो होने वाली नहीं है। अभी ट्राई करेंगे, अगर डिक्रिप्ट हो जाए और रिकवर हो जाए मेरी फाइल्स तो अच्छा है, नहीं तो फिर फॉर्मेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं लैपटॉप यूज ही नहीं कर पाऊंगा। सो एक और चीज़ मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि ये वायरस, और ये जो ये वायरस आया है मेरे लैपटॉप में और ये अटैक हुआ है रैंसमवेयर अटैक, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। सो बेसिकली हम लोग जितनी भी चीज़ें हम लोग ब्राउजर से डाउनलोड करते हैं, जो भी अननोन चीज़ें डाउनलोड करते हैं, सो उसके अंदर एक रिस्क तो रहता ही है। तो उसके लिए हमको अपने लैपटॉप में एंटीवायरस रखना ही चाहिए। अननोन चीज़ें जैसे मेरे अंदर टॉरेंट था, टॉरेंट, यू टॉरेंट, जिसके अंदर से हम लोग सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, उनको क्रैक वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसकी वजह से मैंने रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं था ये ऐसा कुछ हो जाएगा। सो इसकी वजह से ये वायरस मेरे अंदर आया, मेरे लैपटॉप के अंदर आया एंड सब फाइल्स मेरी ख़राब कर दी। सो अभी देखते हैं क्या होता है, मैं ट्राई करूँगा आज पूरे दिन जैसे कुछ जो हो सके वो डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूँगा, रिकवर करने की कोशिश करूँगा। एक दो जन को बोला है मैंने, उनसे हेल्प भी लेने वाला हूँ। सो देखते हैं क्या होता है। आप लोग बस दुआ कीजिए कि मेरी जो जितना भी डेटा है, जितनी भी फाइल्स है, वो सब रिकवर हो जाए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं आज का वीडियो बस इसीलिए बना रहा हूँ आप लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए, दैट प्लीज़ अगर आप लोग ऐसी कुछ चीज़ें रखते हो अपने लैपटॉप में, अननोन चीज़ें, यू टॉरेंट या फिर ब्लू स्टैक हो गया, तो आप लोग अपने लैपटॉप में प्लीज़ एंटीवायरस रखिए। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंटीवायरस है आपके में तो ये वायरस नहीं आ सकता, ये वायरस अटैक कर सकता है। तो जितना हो सके उतना ये सब चीज़ों से दूरी रहिए, ये सब चीज़ें डाउनलोड ही ना करिए, अननोन चीज़ें। सो यही कुछ सीन था आज का वीडियो, बस यही तक था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर फिर आप लोग को बताऊँगा कि मेरे जो डेटा है वो रिकवर हुआ नहीं हुआ, या फिर सब चला गया, फॉर्मेट हो गया। सो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।